नमस्कार। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या दिया, 4u² प्लस में 8u। अब देखो कहां पे पजल हो जाते हैं, इसमें सिर्फ टू स्टेप है, 4u और 8u। तो क्या होता है, देखो इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे 4u। यहाँ पे क्या जाएगा, u प्लस में 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2। यहाँ पे क्या रख लेते हैं, 0। ठीक है, अब हमारे पार्ट हो गए अलग अलग, तो 4u इक्वल 0, u प्लस में 2 इक्वल 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा u इक्वल 0, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा -2। तो ये एक तरह से दो हमारे अल्फा और बीटा आ जाएंगे हमारे। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी था। इसमें ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, अब वही फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारा 0, बीटा कितना हमारा -2। यहाँ पे बी, अब देखो बी का मतलब यहाँ पे यू है, ए और बी किसमें दे रखे, कन्वर्ट कर रखे यू में, तो बी इसका मतलब यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ यू, तो कितना है 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ए यानी यू स्केयर का, तो ये कितना है 4। तो यहाँ पे -2 अपॉन -8 अपॉन 4, ये काटते हैं कितना जाएगा -2, तो दोनों हमारे इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है। सेकंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सॉरी सी बाय ए। अब अल्फा कितना हमारा 0, मल्टीप्लाई करो -2। सी कितना है, सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होती है, ये लिखे ना ना सी एक तरह से, तो ये कितनी होगी हमारी 0। ए हमारा कितना है 4, तो कितना जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, और यहां पे क्या आ जाएगा 0। तो ये भी हमारा सेम है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखकर डरना नहीं चाहिए हमें, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लड़ा के हमें उसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और वो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।